आवाज अपने औरंगाबाद की। दो टीचर्स पिछले 6 दिन से रेक्टर ऑफिस के सामने आमदन उपोषण पर बैठे हैं। इनका विषय कुछ ऐसा है कि अपर तहसीलदार का अपर विभागीय आयुक्त ने 6 महीने पहले इनकी बहाली का ऑर्डर कर चुका है, मगर ये बहाली के ऑर्डर के बावजूद भी जिला परिषद का जो प्रशासन है उन्होंने इनकी बहाली नहीं की। जो दूसरे विक्टिम है जिला परिषद के निजाम सिद्दीक साहब, उनसे किसी ऑफिसर ने 50,000 की रिश्वत भी मांगी। ये दोनों गरीब टीचर हैं जो पिछले 6 महीने से अपने अधिकार के लिए जिला परिषद से लड़ रहे हैं, मगर जिला परिषद इनकी बात को ना सुन रहा है ना गौर कर रहा है। आखिर में थक हार के ये दोनों टीचर आमरण उपोषण पे भूख हड़ताल पर जो है तो गेट पे ऑफिस के ये मेन गेट के सामने बैठे हैं। पिछले 6 दिन से ये लोग भूखे यहाँ पर बैठे हैं, मगर इनका ही प्रशासन इनकी ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले गांधी चौक के पुलिस वालों ने इनको यहाँ से उठाकर मेडिकल के लिए घाटी लेकर गया था और जबरदस्ती इनको वहाँ पर एडमिट करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहाद मुख्यमंत्री अपना काम करी, वहाँ पर हम पहुंचे और टीम से बात की और टीम ने कहा कि भाई ये पेशेंट इतने सीरियस नहीं है या इनको मेडिकल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर टीम के लेटर के बाद हमने इनको वहाँ से लेकर आया और वापस जिला परिषद के बाहर जो इन्हों टेंट डालकर जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनके साथ यहाँ पर हम इनका साथ देने के लिए आकर बैठे हैं। मैं आपके जरिए से जिला परिषद प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि आप इनकी बात को सुन तो लीजिए। पिछले 6 महीने से इनका घर का क्या हाल है, ये पिछले 6 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर इनकी जान को कोई खतरा पहुँचा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिला परिषद प्रशासन अपने ही टीचर्स के साथ अगर ये व्यवहार कर सकता है तो आम जनता के साथ इनका क्या व्यवहार होगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। मैं आप सबके जरिए इनसे आवाज अपने औरंगाबाद।